SX4 आहे CNG मध्ये, पेट्रोल प्लस CNG आहे, इसका प्राइस 1,38,000 है। 16 ची गाडी होती वॅगनार ऑटोमॅटिक मध्ये, रिस्ट है 2010 डिसेंबर का है। ओके, और पेट्रोल प्लस CNG है। तीन तीन होंडा सिटी देते उपलब्ध है 2015 की, ये जून महीने की गाड़ी है। फक्त 95,000 मध्ये तुम्ही गाडी घरी घेऊन जाऊ शकता। मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं वे टू इटेक मराठी मध्ये। माझं नाव जयदीप जाधव आणि आज आपण पॉप्युलर कार अंधेरी ईस्ट मध्ये आलेलो आहे तुमच्यासाठी काही खास सेकंड हँड कार्स घेऊन। आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला खाली मला कमेंट करून सांगा, आवडत नक्की लाईक करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा विसरू नका। आणि या डीलरचा जो काही कॉन्टॅक्ट नंबर आणि ॲड्रेस मी तुम्हाला स्क्रीनवर दिलेला आहे आणि खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये पण मिळून जाईल, कोणती गाडी आवडली तर कॉन्टॅक्ट करायला विसरू नका। मित्रांनो पॉप्युलर कारमधून इथे आपल्याकडे आपल्याबरोबर दिनेश मिश्राजी आहेत जे आपल्याला गाड्यांबद्दल माहिती देतील। तर मिश्राजी कैसे हो? सब बढ़िया है सर। तो पहिलीच गाडी आपल्याकडे SX4 आहे CNG मध्ये, तो क्या इन्फॉर्मेशन इसकी? सर SX4 है 2007 की है, ZX है, पेट्रोल प्लस CNG है। अच्छा, किलोमीटर इसका 76,000 चला हुआ है। ओके, और इसका प्राइस है 195 के साथ में है। पेट्रोल प्लस CNG 2007 ची गाड़ी है, फक्त 79,000 किलोमीटर गाड़ी चालले आणि 1,95,000 किमत है, किमत पण निगोशिएबल असेल। पुढे आपल्याकडे होंडा सिटी आहे, तो मिश्राजी इनका क्या इसका क्या इन्फॉर्मेशन है? सर होंडा सिटी ZX है। ओके, ये EXI ZX मॉडल है, 2007 मई महीने का है और 41,000 चला हुआ है। ओके, और पेट्रोल है, इसका प्राइस 148 है। 148, थोड़ा फार जो भी प्राइस है निगोशिएबल हो जाएगा, निगोशिएबल असेल किंमत। तर ही उपली होती होंडा सिटी 2007 ची गाडी, 1,48,000 किंमत आहे। आता आपण पुढच्या गाडीकडे जाऊया। ये होंडा सिटी है 1.5 MT VMT 2010 का है, अक्टूबर का है। ओके, 66,000 चला हुआ है, इसका प्राइस 2,78,000 है। 2,78,000 होंडा सिटी 2010 मॉडल आहे। पुन्हा आपल्याकडे अजून एक होंडा सिटी आहे, म्हणजे तीन तीन होंडा सिटी देते उपलब्ध आहे। तो मिस्टरजी इसका क्या? ये होंडा सिटी है 1.5, ओके, ये VMT मॉडल है और ये ऑटोमेटिक है। अच्छा ऑटोमेटिक है। हाँ 2010 पेट्रोल है और इसका प्राइस 3,28,000 है। 3,28,000 होंडा सिटी 2010 ची गाड़ी फेब्रुवारी मधली ऑटोमेटिक गाड़ी है। ये होंडा की वरना है, वरना CRDI SX मॉडल है 1.6 2014 जून की है। अच्छा, और इसका प्राइस है 5,58,000 और किलोमीटर 58,000 चला हुआ है। डीजल में ना? डीजल में डीजल गाड़ी है, हुंडई वरना 2014 ची गाड़ी है आणि 5,58,000 5.5 लाखाच्या आसपास तुम्हाला इथे गाडी मिळून जाईल। जी काही किंमत आहे ती किंमत पण इथे निगोशिएबल असेल। तर मित्रांनो पुढची गाडी सगळ्यांना आवडणारी आपली वॅगनार आहे, ती पण ऑटोमॅटिक मध्ये। तो मिश्राजी इनका काय डिटेल्स? ये मारुती वॅगनार आहे 2016 की है। ओके, और ये 59,000 किलोमीटर चाली है, ये ओनली प्योर पेट्रोल है, इसका प्राइस है 4,08,000, वो भी वॅगनार ऑटोमॅटिक प्योर पेट्रोल गाडी। पेट्रोल, हाँ प्योर पेट्रोल गाड़ी है, नंतर तुम्ही CNG लावू शकता। ही 2016 ची गाड़ी होती वॅगनार ऑटोमॅटिक मध्ये। हाँ गाड़ी आवडली तर खाली दिल्या नंबर वरती नक्कीच कॉन्टॅक्ट करा। पुढे आपल्याकडे अजून एक मोस्ट डिमांडिंग मारुतीची सेलेरिओ गाडी आहे, रेड कलर आहे, लेटेस्ट कलर में है। ओके, और 2015 की, ये जून महीने की गाड़ी है, इसका 43,000 किलोमीटर चला हुआ है। ओके, प्योर पेट्रोल है, इसका प्राइस 3,85,000 है। 3,85,000, हाँ, और ZX I मॉडल है, मैकविल वाला, हाँ, टॉप मॉडल, टॉप मॉडल है, ZX I मैकविल वगैरह है या गाड़ी मध्ये। आणि 2015 ची सेलेरिओ गाडी आहे आणि फक्त 3,85,000 मध्ये तुम्ही गाडी घरी घेऊन जाऊ शकता। आपल्याकडे पुन्हा एकदा रिट्स गाडी आहे CNG मध्ये, तो मिश्राजी और क्या डिटेल्स? ये मारुती की रिस्ट है 2010 दिसंबर का है। ओके, और पेट्रोल प्लस CNG है, ये प्राइस है 2,58,000। ओके, और इसका किलोमीटर है 76,000 किलोमीटर गाड़ी चाललेली आहे 2010 ची रिट्स CNG मध्ये आणि 2,58,000 गाडीची किंमत कोट केले, किंमत पण निगोशिएबल असेल। जी काही गाडी तुम्हाला आवडत असेल तर खाली दिल्या नंबरवरती नक्कीच कॉन्टॅक्ट करा। पुढे आपल्याकडे फॉर्च्युनर गाडी आहे टोयोटाची, तो इसकी काय डिटेल्स आहे? ये फॉर्च्युनर है 2012 की, ये ऑटोमॅटिक है। ओके, ऑटोमॅटिक, डिझेल ऑटोमॅटिक है, इसका प्राइस है
12,85,000 12,85,000 है। 12,85,000 सर 2012 की ऑटोमेटिक फॉर्च्यूनर, 2012 ची ऑटोमेटिक फॉर्च्यूनर डीजेल मध्ये गाड़ी है। 12,85,000 गाड़ी ची किमत है, ती कोट के लिए किमत पर निगोशियेबल असेल। ये महिंद्रा की जाइलो है H4 मॉडल, 2018 की है, 2018 की इसका 7,18,000 इसका प्राइस है और किलोमीटर केवल 49,000 चला है। व्हाइट कलर में है, डीजल में गाड़ी है, डीजल में गाड़ी है। तो ये फक्त 2018 ची गाड़ी है, जास्त जुनी पण गाड़ी नहीं है आणि 7,18,000 गाड़ीची किंमत कोट केले, किंमत पण निगोशिएबल असेल। पुढची गाड़ी आपल्याकडे थार आहे, तुम्हाला थार घ्यायची असेल तर ती तुम्हाला फक्त पॉप्युलर कार्स मध्ये मिळते मिळेल, तरी 2019 ची थार आहे, जास्त जुनी पण गाड़ी नहीं है। तो मिस्टर जी क्या इन्फॉर्मेशन? 2019 की है, 74,000 किलोमीटर चला हुआ है, इसका प्राइस है 9,95,000 है और शोरूम कंडीशन गाड़ी है, थार 2019 की है, डीजल गाड़ी। कितना चला है ये? 74,000 किलोमीटर चला हुआ है, 74,000 किलोमीटर चल रही है डीजेल मे थार 2019 की गाड़ी आणि 9,95,000 गाड़ी की किमत है। किमत थोड़ा कम ज्यादा हो जाएगा सर। मित्रों पुढे आपल्याकडे बलेनो है, 2020 ची गाड़ी है, म्हणजे गेल्या वर्षीची गाड़ी है। तो मिस्टर जी क्या ये बलेनो है? 2020 की, 13,000 किलोमीटर चला हुआ है, सिर्फ 13,000 किलोमीटर चला हुआ है। ये है 7,85,000 में, शोरूम कंडीशन गाड़ी है, पेट्रोल में है ना? पेट्रोल में जेटा मॉडल है, बलेनो लेटेस्ट टॉप मॉडल है, मैकव्हील वगैरह तुम्ही बघू शकता, डायमंड कट्स मध्ये वैकव्हील सुद्धा लावलेला है। 7,85,000 गाड़ी की किमत है, किमत और कम हो जाएगी, रेट में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो मित्रों आता अपन बजेट सेगमेंट मध्ये जाऊया, 2,00,000 आत मध्ये। तो मिस्टर जी बताइए क्या इन्फॉर्मेशन है? ये 2009 की i10 है, ब्लैक कलर में है और इसका 71,000 चला हुआ है और इसका प्योर पेट्रोल है, इसका प्राइस 1,88,000 है। ब्लैक कलर की i10 है, शोरूम कंडीशन गाड़ी है, ब्लैक कलर मध्ये i10 है, 2009 ची गाड़ी है, सप्टेंबर महिन्यातली आणि फक्त 1,88,000 गाड़ी की किमत कोट के लिए, पेट्रोल मध्ये गाड़ी है। ये ब्लैक कलर की स्विफ्ट है, 2007 की है, इसका प्राइस 1,75,000 है और ये 79,000 किलोमीटर चला हुआ है, ब्लैक कलर की शोरूम कंडीशन गाड़ी है। 1,75,000 गाड़ी की किमत कोट के लिए, ये होती स्विफ्ट 2007 ची गाड़ी पेट्रोल मध्ये। मित्रों पुढे आपल्याकडे अजून एक स्विफ्ट आहे पण ही सीएनजी मध्ये गाड़ी आहे, तो बराबर ना सर? ये 2005 की है, 25 तक पासिंग है, इसका ग्रीन टैक्स वगैरह भरा हुआ है। ये 2005 की है, 25 तक पासिंग है, पेट्रोल प्लस सीएनजी है, इसका प्राइस 1,38,000 है। 1,38,000 और कितना चला है ये? 87,000 किलोमीटर चला हुआ है। ये मारुति की जैन स्टीलो है, 2010 का मॉडल है, इसका प्राइस 1,68,000 है और सिल्वर कलर में शोरूम कंडीशन गाड़ी है, 36,000 चला हुआ है और ये मारुति की जैन स्टीलो है, 2010 की LXI मॉडल है, LXI मॉडल है, 2010 की जैन स्टीलो आणि 1,68,000 गाड़ी की किमत कोट के लिए, किमत पर निगोशिएबल असेल। जी का एक गाड़ी मे तुम्हाला आवडत असेल तर खाली दिला नंबर ती नक्कीच कॉन्टॅक्ट करा। हा आपला बजेट सेगमेंट चालू आहे 2,00,000 आत मध्ये, आता आपण पुढच्या गाडीकडे जाऊया। तर मित्रांनो या व्हिडिओची शेवटची गाडी बजेट सेगमेंट मध्ये आपल्याकडे वॅगनर आहे, वॅगनर शिवाय बजेट सेगमेंट कधीच पूर्ण होत नाही। तर मिस्टर जी बताइए क्या इन्फॉर्मेशन? ये वॅगनर है, 2006 की है, ये 2026 तक इसका पासिंग है, सिल्वर कलर में है, इसका प्राइस है 1,09,000, 1,00,000 के आसपास हो जाएगा कीमत इसका? ये हो जाएगा, ये एक्चुअली में 95,000 तक हो जाएगा, शोरूम कंडीशन गाड़ी है, 2006 की है, पासिंग 2026 तक है और 98,000 किलोमीटर चला हुआ है, सिल्वर कलर में है, चारों टायर, हाँ पेट्रोल गाड़ी, चारों टायर ब्रांड न्यू जैसे हैं और अच्छी कंडीशन में गाड़ी है, सिल्वर कलर में है। तरी होती आपली वॅगनआर 2006 ची गाडी आहे, 2026 पर्यंत पासिंग केलेली गाडी आहे आणि फक्त 95,000 मध्ये तुम्ही गाडी घरी घेऊन जाऊ शकता, म्हणजे मोटरसायकलच्या किमतीमध्ये पण तुम्हाला इथे गाडी मिळून जाईल। तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की सांगा, व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या मराठी चॅनलला सबस्क्राईब करा विसरू नका। तर माझं नाव जयदीप, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये।